मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज केकड़ी के दौरे पर थे। स्थानीय विधायक शत्रुघ्न गौतम ने सीएम भजन लाल शर्मा का स्वागत किया। इस दौरान एक गजब नज़ारा भी देखने को मिला। सीएम भजन लाल शर्मा जयपुर से विधायक के लिए जूते लेकर पहुंचे। सीएम शर्मा की मौजूदगी में विधायक शत्रुघ्न गौतम ने जूते पहने। आपको बता दें, विधायक शत्रुघ्न गौतम करीब 8 महीने तक बिना जूते चप्पल के नंगे पाँव रहे थे। विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि मैंने विधानसभा चुनाव में नामांकन के समय घोषणा की थी कि अगर क्षेत्र की जनता मुझे जिताकर भेजती है तो मैं केकड़ी देवली नसीराबाद सड़क के 4 लेन होने की घोषणा तक चप्पल जूते नहीं पहनूंगा। उन्होंने बताया कि जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया और मैंने चुनाव परिणाम के दिन ही चप्पल जूतों का त्याग कर दिया था। विधायक शत्रुघ्न गौतम ने आगे कहा कि जनता के किए वादे के अनुसार मैंने 231 दिनों तक न जूते पहने और न चप्पल। जहां भी जाता नंगे पैर जाता। अब जब वादा पूरा किया तो सीएम की मौजूदगी में मैंने चप्पल और जूते पहने। तो सीएम भजन लाल शर्मा केकड़ी दौरे पर रहे, जहां उन्होंने बजट में केकड़ी के लिए घोषणाओं पर आयोजित धन्यवाद सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान विधायक शत्रुघ्न गौतम के नेतृत्व में सीएम का स्वागत किया गया। इस दौरान सीएम भजन लाल शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि मैं पहले भी केकड़ी आया था, तब केकड़ी विधायक ने मुझसे कुछ मांग की थी। आपने बहुमत से हमारी सरकार बनाई तो आपसे किए गए वादे पूरे करना हमारी जिम्मेदारी है। हमने बजट को एक नया अध्याय बनाने का काम किया है। हम जनता से किया एक एक वादा पूरा करेंगे। राजस्थान जल्द विकसित राज्य बनेगा। मैं कहता था अरे काम तो हो जाएगा, लेकिन आप इस तरह से क्यों? तो देखिए उनकी भी कितनी श्रद्धा केकड़ी के लिए। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि मेरा रोड तो हो जाएगा, लेकिन मैं जब तक उनसे वायदा किया है जब तक मैं जूते चप्पल नहीं पहनूंगा, जब तक मेरा वो रोड नहीं हो जाएगा। ऐसा विधायक और हमने भी सोचा कि जिस तरह की प्रतिज्ञा राजनीति के क्षेत्र में होती है, क्योंकि मैं आपसे कहना चाहता हूं इस प्रदेश के अंदर देश के अंदर ऐसे नेताओं ने जिन्होंने सिर्फ खाली घोषणाएं की थी, जिन्होंने गरीबी हटाओ के नारे दिए थे, जिन्होंने जनता के बीच में जाकर के वायदे किए थे, लेकिन उन्होंने उन वायदों को पूरा नहीं किया। जनता के बीच में और नेता के बीच में अविश्वास पैदा करने का काम जिन लोगों ने किया, ऐसे उन कांग्रेस के लोगों को आप भलीभांति जानते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमने भारतीय जनता पार्टी का आपने देखा होगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद राजनीतिक नेताओं को भी बदलने को मजबूर किया और राजनीतिक पार्टियों को भी बदलने के लिए मजबूर किया है, क्योंकि आपने बताया कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। एक तरफ एक कांग्रेस के लोग हमें झूठे वादे करते हैं और चुनाव से पहले अगर मैं बात करूं तो हमेशा ये झूठे वादे करते हैं, जनता के बीच बरगलाने का काम करते हैं। इन्होंने अगर इस देश में भ्रष्टाचार और प्रदेश में भ्रष्टाचार पैदा करने का काम किया तो कांग्रेस के लोगों ने किया। सीमाने में अगर हम कह सकते हैं ये कांग्रेस इस देश में भ्रष्टाचार की जननी है, भ्रष्टाचार की जननी है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, हमने आपके बीच में हम आए थे, केकड़ी में भी आया था, मैंने आपसे कहा था कि आपकी जो मांगे निश्चित रूप से हम उन्हें पूरा करने की कोशिश करेंगे। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमारी सरकार में नए बजट जो आप देखा है, जो हमारा नया बजट आया है, मैं यही कहना चाहता हूं कि हमने एक नया अध्याय बनाने का काम किया है और हमने कहा कि हमारे जो संकल्प पत्र में हमने वायदे किए हैं हम एक एक वायदे को पूरा करेंगे, एक एक वायदे को पूरा करेंगे।
क्योंकि हमारा कार्यकर्ता जनता के बीच में रहता है, हमारा जनप्रतिनिधि जनता के बीच में रहता है। जनता से किए हुए वादों को हम कहना चाहते हैं कि उनको ध्यान दिलाते हुए हम एक एक वायदे को पूरा करेंगे। और आपने देख लिया होगा, कांग्रेस के लोग कह रहे थे ये। तो सोमवार को बीजेपी जिला 12 की जिला कार्य समिति बैठक धर्मशाला में आयोजित हुई। बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न कार्य योजनाओं के बारे में कार्यकर्ताओं को अवगत कराया गया। साथ ही 28 जुलाई को पीएम मोदी के मन की बात सुनने और एक पेड़ मां के नाम अभियान को प्रत्येक गांव और ढाणी तक पहुंचाने का संकल्प लिया।